हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक क्लास 12 एर निर्दिष्ट समाकल थेके एमसीक्यू टाइपर प्रॉब्लम निये आलोचना करछि। आज के फर्स्ट प्रॉब्लम एफ एक्स इक्वल टू माइनस एफ अफ माइनस एक्स होले माइनस ए टू प्लस एफ एक्स डी एक्स मान कत होबे। अपशन ए टू ए, अपशन बी ए, अपशन सी ए बाई टू एंड अपशन डी जीरो। एटी डब्ल्यू बी सी एच एस 2019 साल एक प्रॉब्लम। जेहेतु एफ एक्स इक्वल टू माइनस एफ अफ माइनस एक्स अर्थात एक क्षेत्र में एफ एक्स एक ऑड फंक्शन अजुग्म अपेक्षक, सूतरां आमरा जानी जे अजुग्म अपेक्षक होले माइनस ए टू प्लस ए इंटीग्रेशन अफ माइनस ए टू प्लस ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू जीरो। एक क्षेत्र में अपशन डी हलो करेक्ट। दो नम्बर प्रब्लेम माइनस ए टू प्लस ए एक्स इंटू ई टू दुवार एक्स टू दुवार फोर अपन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स मान कत। एट डब्ल्यू बी सी एच सी 2017 साल एक प्रब्लेम। अपशन ए जीरो, अपशन बी वन, अपशन सी ए एंड अपशन डी टू ए। तो एक क्षेत्र में एफ एक्स धरल ए फंक्शन टुकु अर्थात एक्स इंटू इ टू दुवार एक्स टू दुवार फोर अपन वन प्लस एक्स स्क्वायर तो एफ अफ माइनस एक्स अर्थात एक्स जगह माइनस एक्स दिए रिप्लेस कर लगे माइनस एक्स इ टू दुवार माइनस एक्स होल टू दुवार फोर एट जेहतु पावर जुग्म आई क्षेत्र में एक्स टू दुवार फोर ही गल डिवाइड बाय वन प्लस माइनस एक्स एर होल स्क्वायर दैट इज प्लस एक्स स्क्वायर समान पेल माइनस एटुकु मान धरे एफ एक्स एक क्षेत्र में एफ अफ माइनस एक्स समान पेल माइनस एफ अफ एक्स एक क्षेत्र में एफ एक्स एक ऑड फांगशन एवं ऑड फांगशन माइनस ए टू एफ एक्स फांगशन अर्थात एफ एक्स एर इंडिकेशन जीरो है। तो एक क्षेत्र में अपशन ए है करेक्ट आंसर। तीन नम्बर प्रॉब्लम नीचे समाकलन गुलिर मध्य कोनटी लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एच समेशन आर इक्वल्स टू वन टू एन आर स्क्वायर एच स्क्वायर द्वारा प्रकाश करा जाए जेखने एन एच इक्वल्स टू टू। तो एक क्षेत्र में बला आछे चारटे अपशन, अपशन वन जीरो थेके वन एक्स स्क्वायर डी एक्स, अपशन बी इंटीग्रेशन अफ जीरो थेके टू एक्स डी एक्स, अपशन सी इंटीग्रेशन अफ जीरो थेके टू एक्स स्क्वायर डी एक्स एवं अपशन डी जीरो थेके वन एक्स डी एक्स। एटीओ डब्ल्यू बी सी एच एस 2012 साल एक प्रॉब्लम। तो एक क्षेत्र में लिमिट एच टेंस टू जीरो एच इंटू सामेशन आर इक्वल्स टू वन टू एन आर स्क्वायर एच स्क्वायर एखे एन एच एर मान देव दुई तो निर्दिष्ट समाकलन प्राथमिक संज्ञा अनुसार लिखते पारी इंटीग्रेशन लिमिट जीरो थेके टू जेखने एन एच इक्वल टू बला आछे आर एच मान है एक्स एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक क्षेत्र में अपशन सी है करेक्ट आंसर। चार नम्बर प्रब्लेम लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एच इंटू सामेशन आर इक्वल्स टू वन टू एन आर एच जेखने एन एच इक्वल्स टू वन एच सीमाटी के निम्न को समाकलन हिसाब से प्रकाश करा जाए। एटी डब्ल्यू बी सी एच एस 2011 साल एक प्रब्लेम। अपशन ए इंटीग्रेशन अफ जीरो वन एक्स डी एक्स, अपशन बी इंटीग्रेशन अफ जीरो वन रूट एक्स डी एक्स, अपशन सी इंटीग्रेशन अफ जीरो वन एक्स स्क्वायर डी एक्स एंड अपशन डी कोनोटी नय। तो एक क्षेत्र में आगे प्रब्लेम मत सेम लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एच इंटू सामेशन आर इक्वल्स टू वन टू एन आर एच एखे देव आज एन एच एम वन लिमिट कत है तेल जीरो वन एक्स डी एक्स एक क्षेत्र में अपशन ए है करेक्ट आंसर। पांच नम्बर प्रब्लेम इंटीग्रेशन अफ माइनस वन टू वन इ टू दू पावर मड एक्स डी एक्स मान हल अपशन ए जीरो, अपशन बी टू, अपशन सी टू इंटू इ माइनस वन एंड अपशन डी इ इनवार्स। तो एक क्षेत्र में मड एक्स एर संज्ञा अनुजाई जी मड एक्स इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर दैन जीरो एंड मड एक्स इक्वल टू माइनस एक्स व्हेन एक्स लेस दैन जीरो। एबार्बा माइनस वन थेके वन लिमिटा के दो अंश भेगे निल माइनस वन थेके जीरो इटू दुपर बक्स एक्स डी एक्स प्लस जीरो थेके वन इटू दुपर बक्स एक्स डी एक्स सरि क्षेत्र मड एक्स है तो हमें माइनस वन थेके प्लस वन इटे माइनस वन थेके जीरो प्लस जीरो थेके वन भेगे निल माइनस वन थेके जीरो अर्थात नेगेटिव भैलूर जो मड एक्स माइनस एक्स एंड जीरो थेके वन जो मड एक्स प्लस एक्स। एबार बेसिक इंडिकेशन कर पेलम टू इंटू इ माइनस वन अर्थात अपशन सी है करेक्ट आंसर। छय नम्बर प्रब्लेम जदि इंटीग्रेशन अफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू जीरो है तब
a less equal to x less equal to b এর জন্য f x কত হবে অপশন a 0 অপশন b 1 অপশন c 2 এন্ড অপশন d কোনটি নয় এটি WBCHSE 2010 এর একটি প্রবলেম যেহেতু এই ক্ষেত্রে f x dx টা 0 অর্থাৎ ফাংশনের ভ্যালুটা 0 এর ক্ষেত্রে যেখানে x এর মানটা a থেকে b এর মধ্যে সংজ্ঞাত আছে যেহেতু এই ক্ষেত্রে a থেকে b f x dx 0 হয় হলে এই ক্ষেত্রে অবশ্যই ফাংশনের মানটা হবে 0 অর্থাৎ এই হবে এই ক্ষেত্রে কারেক্ট অ্যানসার 7 নম্বর প্রবলেম ইন্টিগ্রেশন অফ 1 টু 3 মড অফ x - 2 dx এর মান কত অপশন এ 1 অপশন বি মাইনাস 1 অপশন সি 2 এন্ড অপশন ডি 3 তো এই ক্ষেত্রে আমরা মড x এর সংজ্ঞা অনুযায়ী জানি মড অফ x - 2 সমান x - 2 যখন x - 2 গ্রেটার দ্যান 0 দ্যাট ইজ x গ্রেটার দ্যান 2 এবং মড অফ x - 2 সমান মাইনাস অফ x - 2 অর্থাৎ 2 - x মাইনাস অফ x - 2 মানে 2 - x হোয়েন x - 2 লেস দ্যান 0 দ্যাট ইজ x লেস দ্যান 2 তাহলে 1 থেকে 3 0 লিমিটটা তো সেই ক্ষেত্রে আমরা দুটো অংশ ভেঙে নিলাম 1 টু 2 মড অফ x - 2 dx প্লাস 2 টু 3 মড অফ x - 2 dx তাহলে যখন লিমিটের মানটা 1 থেকে 2 এর মধ্যে অর্থাৎ লিমিটের মানটা 1 থেকে বড় 2 এর থেকে ছোট তো 7 নম্বর প্রবলেম ইন্টিগ্রেশন অফ 1 টু 3 মড অফ x - 2 dx এর মান কত অপশন এ 1 অপশন বি - 1 অপশন সি 2 এন্ড অপশন ডি 3 লেখ ক্ষেত্রে মড অফ x - 2 সমান x - 2 যখন x - 2 গ্রেটার দ্যান 0 অর্থাৎ x গ্রেটার দ্যান 2 এবং মড অফ x - 2 সমান মাইনাস অফ x - 2 অর্থাৎ 2 - x যখন x - 2 লেস দ্যান 0 অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে x লেস দ্যান 2 তাহলে ইন্টিগ্রেশন অফ 1 2 3 মড অফ x - 2 dx এটাকে আমরা দুটো অংশে ভেঙে নিলাম একটা ইন্টিগ্রেশন অফ লিমিট 1 টু 2 মড অফ x - 2 dx প্লাস 2 টু 3 মড অফ x - 2 dx তাহলে x - 2 যখন 1 থেকে 2 এর মধ্যে অর্থাৎ 2 এর থেকে ছোট 1 এর থেকে বড় তখন আমরা 2 - 6 টা পুট করছি এখানে এবং 2 থেকে 3 যখন অর্থাৎ 2 এর থেকে বড় 3 এর থেকে ছোট তখন আমরা মড অফ x - 2 সমান x - 2 পুট করছি এখানে এবার আমরা বেসিক ইন্টিগ্রেশন করে সেখান থেকে ক্যালকুলেশন করে পেলাম 1 অর্থাৎ অপশন এ এর সাথে হবে এটা কারেক্ট ওকে এখন নির্দিষ্ট সমাকল থেকে এই সাতটি প্রবলেম আলোচনা করলাম নেক্সট ভিডিওতে নির্দিষ্ট সমাকলের আর অন্যান্য প্রবলেম নিয়ে আলোচনা করব থ্যাংকস ফর ওয়াচিং